फ्रेंड्स नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि गॉस लॉ होता क्या है। द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो। कहना चाहता है कि जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एक्चुअली मूवमेंट होगा क्लोज सरफेस के साथ जो होगा वो जीरो होगा। तो जैसे यहाँ पर क्या है, ये एक क्लोज जो है सरफेस, उसका ये साइन है, और बी हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और डीएस है सरफेस एरिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल्स टू बी डॉट ए एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू हो जाएगा फाई अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है हम लोग देख सकते हैं यूनिट जो होता है वेबर होता है। तो ये भी याद रखेंगे, या एक्चुअली मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट क्या होता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो है यूनिट के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।